फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किसी भी तरह की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। एक छोटा सा ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारे एनिवर्सरी पे हमने शूट किया था। अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ गुजारा हुआ कुछ पल है, जो फोटो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से मैंने इसे कैद किया था, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे मैरिज एनिवर्सरी का कह सकते हो कि टू टायर केक हमने बनाया था, बट इसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि उस दिन बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल चल रहा था। बट कभी भी, जब भी मैं ये केक की रेसिपी मैं बनाऊंगी, तो ये डिज़ाइन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है फ्रेंड्स, और कोई भी आसानी से इसे एक बार में बना लेगा। फ्लेवर की अगर कह सकते हो तो फ्लेवर में कोई भी फ्लेवर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बस नॉर्मल सा ये रेड वेलवेट केक मैंने बनाया था, बट खाने में बहुत ही यमी था। वो सारी जो वीडियो है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। ये हमारे एनिवर्सरी डे का टैग, ये टू टायर केक हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चे को और हमारे फैमिली को, सभी को बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर सबसे ज़्यादा मेहनत किसी ने किया है इस केक पे, तो वो है मेरी बेटी, क्योंकि उस दिन मैं खाना बना रही थी, मैं बहुत ही बिजी थी। मेरी बेटी ने यहाँ पे बहुत ही मेहनत किया है, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो कैमरा में कैद ही नहीं हो सका। बस वो बेडरूम में आई और केक को तैयार कर रही थी, बट केक कैसा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं यहाँ पे मसाले को भून रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, आलू गोभी और सोयाबीन की सब्जी मैं बना रही थी, और साथ में फ्रेंड्स इधर क्रीम भी बीट हो रहा था। और आप देखिएगा, साइड में मैंने हर्ट शेप का मैंने केक बनाया है। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी सब्जी करीब करीब हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने हर्ट शेप का जो पहला वाला जो बेस था वो मैंने अच्छे से क्रम कोट कर लिया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स, एक दिन पहले हमने क्रम कोट करके इसे रख लिया था रात के 3 बजे, और अगले दिन इसे फाइनल टच हमने दिया था। और ये देखिए, दोपहर का टाइम है, सुबह में हमने ब्रेकफास्ट में रोटी और सब्जी लिया था, और ये दोपहर के टाइम से हमने यहाँ पे रात का जो डिनर होता है वो प्रिपरेशन हमने करना शुरू कर दिया था। तो ये है खीर, और ये खीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये यहाँ पे उस दिन सब्जी मैंने बनाई थी आलू और कटहल की, इसकी रेसिपी फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरे पास है, वीडियो है एडिटिंग करके, वो मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगी। प्याज की कटिंग हो रही है और सब्जी की प्रिपरेशन चल रही है। और ये जो सब्जी बनी थी फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, ये मॉर्निंग की सब्जी है, थोड़ी सी बची हुई थी, तो हमने चावल और दाल के साथ इसे दोपहर के लंच में हमने इसे कर लिया था। और कटहल आलू की जो सब्जी है फ्रेंड्स, वो सब्जी ऐसी बनी थी कि अगर कह सकते हो फ्रेंड्स कि अगर आप बाहर पार्टी में जाते हो तो पार्टी जैसा ही वाइब्स आएगा, उसी तरह से मैंने उसे बनाया था। और उस दिन फ्रेंड्स रात में हमने दाल भर की पूरी भी बनाई थी, तो ये दाल को हमने पहले से उबाल लिया था, चना दाल को। और यहाँ पे देखिए, हमारे चने दाल को अच्छे से हमने भून लिया है। यहाँ पे जीरा का हमने फोरन डाला था, और तेल में मैंने तेज़पत्ता डाला था और मिर्च डाला था। और सारे मसाले को भूनने के बाद यहाँ पे दाल को अच्छे से हमने भून लिया था। यहाँ पे देखिए, आटा हमने अच्छे से गूंथ लिया था, इसकी पेड़े हमने अच्छे से कट कर लिए थे, और इसमें हमने स्टफिंग भर दी थी दाल की। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड, कभी हमारी भाभी, कभी हमारी बहन आके यहाँ पे पूरी को यहाँ पे डीप फ्राई कर रही थी, जिन्हें जब भी टाइम मिल रहा था आ रही थी, बट मैं चूल्हे के पास ही थी क्योंकि मुझे स्टफिंग भरनी थी। और ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारी दाल की पूरी बन के तैयार हुई थी, यानी कि दाल की पूरी, कटहल की सब्जी और खीर हमने डिनर में बनाया था। और ये हमारा प्यारा सा टू टायर का केक, जो कि हर्ट शेप में है, और रेड वेलवेट ये केक आप कह सकते हो फ्रेंड्स। और इस तरह से हमारा एनिवर्सरी डे का फाइनली रात का डिनर भी बन गया, केक भी फाइनली एक अच्छे लुक में तैयार हो गया था। और आप देख सकते हो इसकी वीडियो, ये जहाँ पे केक कटिंग हो रहा है वहाँ पे हमने इस केक को रखा है। सारे फैमिली बहुत ही खुश थे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने घर में बड़ी हूँ, और जब भी हमारी एनिवर्सरी डे होती है, हमारी मम्मा, हमारे फैमिली यानी कि मेरे भाई, हमारी भाभी और मेरी बहन, बच्चे और हमारे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, सभी लोग यहाँ पे होते हैं, और सभी लोग बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि उन लोगों को हमारा बनाया हुआ जो केक है फ्रेंड्स, उन लोगों को बहुत पसंद पड़ता है।
और ख़ास करके हमारे घर में हमारे भाई को, हमारे भाई के बच्चे को और हमारे बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए हमारे हस्बैंड, हमारे बेटे और हमने यहाँ पे केक कटिंग के लिए जो होती है यहाँ पे कैंडल हम लोगों ने ब्लो किया, बट बार बार मैं इसे ब्लो कर रही हूँ क्योंकि ये मैजिकल कैंडल हमारी बेटी ने यहाँ पे डाल दिया था, केक के अंदर इंसर्ट कर दिया था और बार बार वो मैंने बुझाया और बार बार वो जल जा रही थी, इसलिए मैं इसे बार बार बुझाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हमारे अद्विक जो है यानी हमारे बेटे वहाँ पे कुछ ज़्यादा मस्ती वहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद कैंडल हम लोगों ने ब्लो किया, उसके बाद हमने और हमारे हस्बैंड ने और हमारे बेटे ने भी मिल के केक का कटिंग किया। हमारे है जो हस्बैंड हैं वो कैंडल को वहाँ से निकाल लिए हैं, बार बार वो भी बुझा रहे थे। उसके बाद हमने केक को कट किया और अपने प्यारे से पतिदेव को कह सकती हो, अपने हस्बैंड जी को खिलाया, उन्हें केक बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी कमेंट कर रही थी कि हमारे एनिवर्सरी डे का ये फर्स्ट टाइम है जो इन्होंने हमें केक खिलाया है, वो हंस रहे थे। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, जब भी ऐसा मौका मिलता है वो हमें अपने हाथों से ही खिलाते हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी भी जब भी मैं प्रॉब्लम में रही हूँ मेरे साथ हमेशा वो खड़े रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, हमारी एनिवर्सरी की जो ब्लॉग है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इस केक के साथ यहाँ पे हमने केक को लिया है, यहाँ पे मेरी बहन ने यहाँ पे मेरी पिक ली थी, कुछ पिक है जो इस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स समय चला जाएगा, ये पल भी चला जाएगा और ये जो यादगार जो पल है फ्रेंड्स बस इसी तरह से रह जाता है, हम रहे ना रहे बट हमारे बच्चे इसे देखें, इंजॉय करें और अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ ये कहें कि हाँ हमारी भी मम्मी हमारे डैडी के साथ, हमने हमारे मामा मासी हमारी नानी के साथ और हमारी मामी के साथ, हमारे दादा दादी के साथ, सबके साथ उन्होंने जो पल गुजारा है वो सारे जो कैद हैं वो अपने बच्चे के साथ ये शेयर कर सके। इसीलिए मैं छोटी छोटी सी ब्लॉग बना देती हूँ ताकि मैं रहूँ न रहूँ मेरे बच्चे हमेशा मुझे याद करें इस वीडियो, इस फोटो के माध्यम से। और यहाँ पे हमने अपनी मम्मी के साथ, अपनी भाभी और अपनी बहन के साथ कुछ फ़ोटो खिंचवाए थे, हमारी बेटी कुछ सेल्फी ली थी और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो हमारे साथ फ़ोटो क्लिक करवाए। यहाँ पे हमारी मम्मी और हमारे फैमिलीज लोग चले गए थे तो मैंने अपने बेटे को अपने बेडरूम में ला के उसके साथ कुछ पिक लिया, कुछ अपने हस्बैंड के साथ पिक लिया। यादें तो यादें होती हैं ना फ्रेंड्स, और ये दोनों बहनें यहाँ पे, हम दोनों बहनें और मेरी बेटी अपनी बहन के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। तो फ्रेंड्स अगर ये ब्लॉग, हमारी एनिवर्सरी की ब्लॉग अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।